हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई 5 मैचों की T20 सीरीज के बारे में। वाओ, T20 सीरीज को इंडिया ने 4-1 से जीतकर अपने नाम कर लिया है। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए इस T20 सीरीज की। तो इस T20 सीरीज में काफी रिकॉर्ड बने भी हैं। ऋतुराज गायकवाड का एक तूफानी शतक हमें देखने को मिला। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने भी अच्छी तरह से बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया को उसी मैच में शतक लगा के विन करवाया था। ऋतुराज गायकवाड ने ग्लेन मैक्सवेल के एक ही ओवर में 30 रन लेकर बताया कि वो लास्ट के ओवर में किस प्रकार से बैटिंग कर सकते हैं और सामने वाली टीम को किस तरह से बैकफुट पर खेल सकते हैं। इंडिया के फिनिशर रिंकू सिंह की तो उन्होंने बहुत ही शानदार इस सीरीज में प्रदर्शन किया है। वहीं पर ओपनर के रूप में जो हमारे यशस्वी जायसवाल जो ओपनिंग कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, उन्होंने भी अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया है। बात की जाए तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। इस सीरीज के दौरान ऐसा कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इंडिया की तरफ से बात की जाए बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक नंबर प्रदर्शन रहा है रवि बिश्नोई का। रवि बिश्नोई भाई ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है और जब भी उनके हाथ में बॉलिंग आई है उन्होंने इंडिया को विकेट निकाल कर दिया है। सिचुएशन कोई सी भी हो, रन कितने भी बने हो सीरीज में, लेकिन रवि बिश्नोई भाई ने एक नंबर शानदार प्रदर्शन किया है। जलवा है हमारा। और बात की जाए सीरीज के आखिरी और 5वें T20 की, तो इसमें जो लास्ट में मैच फंसा हुआ था तो अर्शदीप सिंह को एक ओवर में 10 रन बचाने थे इंडिया को विन करवाने के लिए। वहां पर भाई ने 2 ही रन दिए और इंडिया को विन करवाया। इसी प्रकार की उम्मीद हम आने वाले मैचों में अपने इंडिया के सभी बॉलर्स और बैट्समैन से करते हैं कि वो इंडिया को अच्छी से अच्छी विन करवा के दें। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। जाए IPL की, तो IPL में बहुत ही ज्यादा बदलाव भी देखने को हमें मिले हैं। हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस के कप्तान थे, उनको अब मुंबई इंडियंस ने वापस से मुंबई इंडियंस में शामिल कर लिया है। पैसा ही पैसा हो गया। हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस की कप्तानी को छोड़कर मुंबई इंडियंस का प्लेयर बनना स्वीकार किया है। पर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन के बारे में, तो कैमरॉन ग्रीन जो पिछले सीजन हमें मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे, अब वो हमें 2024 में RCB की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। तो RCB की टीम भी भाई बहुत ही ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है इस बार भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।